I miss you. हाँ, और मुझे भी सुबह होने का इंतजार है ताकि मैं आपको देख सकूं। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ पूरा टाइम। मेरे भी सपने में आ सकते हैं आप। आप भी मेरे सपने में आते हैं, मैं तो आपके सेंट की खुशबू महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा सेंट तो मुझे पागल कर देता है। मैं मर ना जाऊं कहीं, मैं कैसे सुबह तक इंतजार करूंगी। मेरा दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन न शुरू हो। मुझे लगता है ये यही होगा। हम आ गए। हाँ, अब हम उतर सकते हैं। सनम, एक मिनट, जरा बारिश हो रही है। ओके ओके, आई एम वेटिंग। अंकल एहसान। अंकल एहसान, कहीं मैंने आपको वेट तो नहीं कराया? नहीं, मैं 5 मिनट पहले ही आया हूँ सनम बेटा। गुड। अंकल एहसान, यह है जान। जान अंकल एहसान, अंकल एहसान जान, क्या वो रेडी है? एकदम रेडी है। क्या? वो घोंसला एक मादा पक्षी ने बनाया है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना। ठीक है, मैं निकलता हूँ, अब मुझे बहुत सारे काम है, तुम एंजॉय करो। मिलते हैं अंकल एहसान, ये हमेशा ऐसे ही स्वीट रहते हैं। एकदम बढ़िया। सनम, हम कहाँ आए हैं? जान, पता चल जाएगा, थोड़े और पेशेंस रखो। जब मैं छोटी थी तब मुझे घर में किसी ने नहीं अकेला छोड़ा, मतलब मेरी मॉम, डैड, लैला, अयान, क्या बताऊँ, बहुत शोर हुआ करता था और दुकान में भी काफी भीड़ हुआ करती थी। और मुझे लिखना बहुत पसंद था। एक दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे ये जगह मिली जहाँ काफी बर्ड्स आ रहे थे। ये वही जगह है और इस जगह के काफी किस्से हैं, प्यार और वफादारी की कहानियाँ। मैंने यहाँ कुछ छोड़ा था ताकि एक दिन मैं वापस आऊँ। कई साल पहले मैंने इसे यहाँ छोड़ा था,
अगर एक दिन मुझे कोई प्यार करे तो हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के बादलों की उड़ान भरेंगे। अगर मुझे कभी कोई प्रेमी मिला तो हम घोड़ों की सवारी करते हुए तारों को छुएंगे। अगर मुझे कभी मेरा लवर मिला तो हम हर एक पल को एक पोयम की तरह जिएंगे। और एक दिन मैं ये खत अपने प्रेमी को पढ़कर सुनाऊंगी। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। हाँ कुछ भी हो। जब मैं यहाँ पिछली बार आई थी तब मुझे एक भी पंछी नहीं दिखा। तब मैंने अंकल एहसान से यहाँ घोंसला टांगने के लिए कहा था। क्या हम यहाँ पर एक घोंसला टांग सकते हैं? जरूर। ठीक है। क्या ये जरूरी है? हाँ। तुम सच में कितनी अच्छी हो सनम। देखो सभी पंछी वार्म जगह पर जा रहे हैं। आहा। मैं हमेशा से पंछियों के लिए वार्म नेस्ट बनाना चाहती हूँ। ये तो अच्छा आइडिया। तो न सिर्फ बर्ड्स के लिए बट एनिमल्स के लिए भी कुछ करना चाहिए, जैसे डॉग्स, कैट्स, यू नो, सबके लिए। क्या कहती हो? मैंने काफी डॉग्स देखे रोड पे, चलो उनको खाना खिलाए। क्या कहती हो? हाँ ठीक है, हमें एक एनिमल हाउस बनाना चाहिए। व्हाट डू यू से? हाँ चलो, लेट्स प्रोटेक्ट एनिमल्स। Let's get warm. यहाँ बहुत ठंड है। बताओ मुझे। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ। हाँ। मैं ये चेयर ले लेता हूँ। सुबह कितनी अच्छी हुई ना। हेलो लैला, तुम आ गई। हेलो लैला, नाइस टू सी यू। मिस्टर जॉन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं अपना काम करने जाती हूँ। ठीक है सनी। कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ मिस्टर जॉन, सब ठीक हो जाएगा। आपको तो पता ही होगा। हाँ हाँ जानता हूँ, काश ऐसा ना हुआ होता। अब हम क्या कर सकते हैं? बस हो गया, मुझे अब कुछ पल के लिए अकेला रहना है, तो मैं क्या अपनी एनुअल लीव ले सकती हूँ? पर ये हफ्ता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ ज्यादा ही। हमें एक कैंपेन मिला है रेड मोड कॉस्मेटिक्स के लिए और हमें उन्हें प्रूव करना होगा, हमारी कैपेबिलिटीज दिखानी होगी। तो तुम नेक्स्ट वीक लीव ले लेना, इस वीक अगर साथ रहोगी तो अच्छा रहेगा, हमें तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है मिस्टर जॉन। थैंक यू। ओके गाइस, हम अब सबसे बेस्ट पार्ट पर पहुंचे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ एग्जैक्टली, अब सभी ने प्रोडक्ट्स ट्राई किए होंगे, बताइए कैसे हैं? ओके, सब एक एक करके बताओ। चलो मिस्टर जॉन, मेरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं बताता हूँ। हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूँ। आप सभी को सिंड्रेला की कहानी तो पता ही होगी। एक दिन एक राजकुमार एक बॉल पार्टी अरेंज करता है ताकि वो खुद के लिए एक अच्छी वाइफ चूज कर सके। सिंड्रेला तो जाना चाहती है पर उसकी सौतेली बहन उसे घर में कैद कर देती है। अब वो बॉल में जा नहीं पाएगी, तभी वहाँ एक परी आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं? हाँ, उसे तैयार होना है ना। जी जी, ये कहानी हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हाँ हाँ, आप सब जानते हो कि ये परियों की कहानी है, पर मुझे एक पॉइंट तक आना है। फिर वो एक अच्छे जगह आकर एक शॉप में एंटर करते हैं और फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और कहते हैं नहीं ये फिट नहीं हो रहा, नहीं इसकी हाई हील्स अच्छी नहीं है, और सिंड्रेला कहती है कि तुम एक परी हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। और फिर परी नाराज हो जाती है और कहती है कि अरे तुम सिंड्रेला हो, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज यहां नहीं होती, तुम अभी घर में कैद होती। और फिर उनके बीच अनबन होती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें वार्न करता है कि लेडीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। प्रोडक्ट की स्टोरी का है? हाँ मिस्टर जॉन, मैं पहुंच ही रहा हूं, वहां पहुंच ही रहा हूं, सुनिए सुनिए। और फिर सिंड्रेला कहती है कि फिर मेरे बालों
का क्या और मेकअप? फिर परी कहती है कि मैं एक परी हूँ, मैं बस अपने जादू से सब करवा दूंगी, समझ रही हो ना? फिर सिंड्रेला चिल्लाती है, अगर तुम सच में अपने जादू से सब ठीक कर सकती हो तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं, यू नो? फिर परी कहती है हमें ऐसे ही जीना पड़ता है, हमें ऐसे ही सोशलाइज होना पड़ता है और यही जिंदगी है। सिंड्रेला कहती है ठीक है, मेरा मेकअप मैं खुद करूंगी। और परी नाराज हो जाती है और फाइनली सिंड्रेला बॉल में जाती है। फिर आधी रात हो जाती है और परी ने तो पहले से ही कहा है कि आधी रात होने से पहले घर लौट जाना, और वो वहाँ से नहीं जाती। सब कुछ बदलने लगता है, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ बदल जाता है। आप समझ रहे हैं ना, कपड़े बदलते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? उसके पूरे के पूरे कपड़े बदल जाते हैं। वो वहाँ से भागती है और उसकी ग्लास की सैंडल भी वहीं छूट जाती है। ये रहा मेरा वर्जन, पर इसमें उसकी सैंडल मिलती ही नहीं है। तो राजकुमार उसे पकड़ता है और उसके चेहरे को देखता है और कहता है ये वही लड़की है, सिर्फ कपड़े अलग हैं। वो काफी मिजरेबल लग रही है, पर एक चीज है जो अभी तक बदली नहीं है। वो क्या है? क्या है? चेहरा। रेड मोड प्रोडक्ट्स यूज करके उसका मेकअप उतरा ही नहीं, सब कुछ चला जाएगा पर रेड मोड वही रहेगा। और फिर पटाखे फूटते हैं, हर जगह खुशियाँ आती हैं, घोड़े आते हैं, बहुत सारे घोड़े आते हैं, ऐसा ही कुछ। पर मुझे नहीं लगता। पर मिस्टर जान, मुझे लगता है कि आप ही वो प्रिंस बढ़िया रहेंगे। क्या कहा? तुम सच में अच्छे हो जेजे। थैंक यू वेरी मच। ओके मिस्टर जान, फिर नेकेड किंग का क्या? हम उसकी न्यूडिटी को भी कवर कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ, क्या ये काम करेगा? क्या लगता है आपको? तो अब नेकेड किंग भी मैं हूँ? नहीं नहीं मिस्टर जान। और कोई आइडियाज हैं? हमारे कस्टमर्स प्रिंसेस तक ही सीमित नहीं है। मिस्टर जान, मैंने एक स्लोगन सोचा है, ईच डे विद मोर ब्यूटी। क्या है? इतना बुरा नहीं है, हम ये लिख लेते हैं। ये स्लोगन मिनरल वाटर के लिए भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट पर एम्फसाइज नहीं करता। और कुछ? माय डियर सनम, तुम भी अब एक स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी हो, तो हम भी तुम्हारे आइडिया सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। पर अगर तुम कहो कि तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है तो कोई बात नहीं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि अब हमें सिर्फ तुम्हारे पहले के काम को लेकर कन्फाइन रहना होगा? क्या मैं कुछ कहूँ? यस प्लीज। हमारे प्रोडक्ट की स्केल सबसे वाइड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम हर एज ग्रुप की लड़की को एड्रेस करना चाहते हैं, तो हमें हर औरत की जिंदगी में आने वाले सबसे खुशी के पल से शुरुआत करनी चाहिए। क्या लगता है वो आपको? क्या है? शादी। शादी हर औरत की जिंदगी का सबसे खुशी का पल होता है, वो हमेशा से उस पल का इंतजार करती है और उस दिन वो दुनिया का सबसे बढ़िया मेकअप करती है। इन जनरल भी औरतें काम पर जाते वक्त थोड़ा थोड़ा मेकअप करती है, लेकिन ऐसे मेकअप से वो तंग आ जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी एक दुल्हन के साथ नहीं होता, उस दिन उसका मेकअप एक रूटीन नहीं बल्कि एक फेस्टिवल होता है। मुझे लगता है जेजे ने बराबर बात कही, हालांकि हम सब लोग उस पर हंसे, लेकिन एक औरत जो खुद का मेकअप खुद करे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक रूटीन नहीं, ये एक रिचुअल है। हाँ सरम, क्या तुम पॉइंट पर आओगी? मेकअप शादी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, ब्राइड के लिए, उसके घर वालों के लिए, ब्राइड मेड्स के लिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। ओके सनम, क्या तुम प्लीज पॉइंट पर आ जाओगी? इमेजिन करो एक दुल्हन शादी कर रही है, वो सुबह उठती है अपने पजामा में और उन सभी कॉस्मेटिक के साथ वो एक खूबसूरत दुल्हन बन जाती है, और फिर वो अपना मैरिटल नोटबुक अपने लिपस्टिक से साइन करती है। और हमारा स्लोगन है कि मेकअप समथिंग गुड, मेकअप के साथ अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मेकअप इज समथिंग गुड। ब्रावो, वेरी गुड सनम, ये अच्छा लगा, ये वाकई अच्छा आइडिया। बाकी लोग क्या कहेंगे? हाँ ये बहुत अच्छा है, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा लगा कि एक वुमन अपना खुद का मेकअप खुद कर रही है। वाकई बहुत अच्छा रहा सनम, तुम्हें अच्छा लगा? थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, थैंक यू। प्रेजेंटेशन भी बनाना है। हेलो, बाय। I missed you. Me too. मुझे कुछ पूछना है। तुम इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और प्यारी कैसे हो सकती हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम ये कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज करती हो। मतलब ऐसा क्या है तुम्हें, बताओ मुझे। क्या? अनबिलीवेबल, ये औरत एक पिराना है, उसे आपकी खुशबू आती है। आपको समझ आ रहा है? हाँ जेदा,
नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय। डिनर? हाँ फिर से डिनर। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था कि ये जो पिरानास है ना, वो एक जाइनो को भी खा जाती है और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती। आखिर वो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ, चलो चलो निकलो, चलो जाओ, काम धंधा है नहीं, मुंह उठा के आ जाते हैं। और फिर वो ऐसे ही खाती जाती है, खाती जाती है, खाती जाती है और फिर भी उनकी भूख कभी नहीं मिटती, वो ऐसे ही खाती जाती है। ये ऐसा हुआ कि मैकिनन और जो कॉस्मेटिक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। मेरी कोई गलती नहीं। हाँ जान, पर आप सिर्फ खाते हैं, आपने कभी नोटिस किया है? आप कहते हैं ये बिजनेस है, लेकिन आप सिर्फ खाने का काम करते हैं। हमने आपके लिए एक सोल्यूशन ढूंढा है, हम आपके लिए एक सैंडविच बनाएंगे। मैं जाकर उस्मान से मीट लेकर आऊंगी। ओके। कुछ सैंडविचेस और सम ड्रिंक्स और दैट्स ऑल, हो गया। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारा स्लोगन अनाउंस करने के लिए, है ना? और उन्हें भी पता चलेगा कि मैंने एक जीनियस से प्यार किया। क्या चल रहा है? आप प्यार में हैं? हाँ बिल्कुल। नो। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सब देख रहे हैं मिस्टर जान, मैंने सबको उनके काम पर भेज दिया है। मैं आपको ये बात इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आप प्लीज कंफर्टेबली बात कीजिए अकेले में। मैं तो लाइट्स भी डिम करने वाला था ताकि यहाँ एक रोमांटिक एटमोसफियर बन जाए, पर मुझे स्विच नजर नहीं आ रहा, लाइट्स डिम कैसे करूँ? अरे हाँ, यहाँ एक पैनल है, मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। ओके आप अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम फिनिश करता हूँ। ओके सब लोग काम पे लगो। ओह मैं चाय पीऊंगी। वेरी गुड। जॉन, आपने तो मुझे डरा ही दिया। जॉन दवे, तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ पर आप एकदम चुपचाप से यहाँ आ गए तो मुझे डर लगा। तुम क्या कर रही थी, प्रोडक्ट्स ट्राई किए क्या? हाँ बहुत अच्छे हैं। आप अपना हाथ दो ना उस पे, ट्राई करते हैं। नहीं नहीं ठीक है, मैंने हाथ पे लगाया है, देखो ना कितना सॉफ्ट है। मुझे तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ने, ये अच्छी बात नहीं है, हम काम पर है, ये एथिकल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। तुम हाँ? मुझे जाकर सबके हाथ पकड़ लेने चाहिए, क्या कहती हो? किसी का भी, पर ये तो बिल्कुल भी इथिकल नहीं होगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, पर तुम ट्राई करो, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जो कर रही हो वो करती रहो। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। पर तुम ऐसे ट्राई मत करो, एक जगह मत रखो ना, ऐसे करो चलते चलते। हाँ ऐसे मूवमेंट करते करते काफी क्रिएटिव रहेगा। हाँ ये अच्छी बात है। जान। हाँ बोलो। मुझे पता चल गया। क्या क्या समझ आया तुम्हें? मैं समझ गई आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ आप मुझसे वो छुपा नहीं सकते, आप मुझे मिस कर रहे हो ना, इसीलिए यहाँ मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ मुझे पसंद है, और मैं तो एक शिकारी की तरह तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें भी ये काफी अच्छा लगता है, ये तुम्हारा नेचर है, तुम हमेशा यही चाहती हो, तुम यही चाहती हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हें चेस करता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे बारे में गलत ना सोचें। नहीं कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, बस ज्यादा सोचो मत। ठीक है। वैसे टाइम क्या हो रहा है, कितने बजे है? लेट हो गया होगा, मैं जाकर तैयारी कर लेता हूँ, आज रात को डिनर करने जाना है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। तो तुम चाहे जो करो, ये कॉस्मेटिक्स ट्राई करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके बाद में। पर लेट मत होना, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाओ, लेट मत होना, रोज रोज डिनर। हाँ लेट मत होना, लेट। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? I'm so upset यार जी जी। क्यों सनम, क्या हुआ बताओ मुझे? वो ज़ैदा के साथ डिनर पर जा रहे हैं, वहाँ मैकिनॉन भी रहेगा, पर फिर भी उनके साथ वो रहेगी ना, इसीलिए। हाँ? एक बिजनेस डिनर को लेकर तुम्हें इतनी जलन हो रही है? हाँ जलन हो रही है जी जी, और इस बात की भी कि इतने साल उन्होंने मेरे बिना गुजारे हैं। कैसे सनम,
हाँ ये काफी पोएटिक है, पर ये सच है, मुझे उनके साथ उनके स्कूल डेज से होना चाहिए था। उनका वो माउंटेन क्लाइंबिंग, काश मैं उस वक्त उनके साथ भी होती तो कितना मजा आता। सनम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिस्टर जान ने क्या किया, उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ कर सबके सामने कन्फेस किया कि वो तुमसे प्यार करते हैं। वो पहले मार्को पोलो जैसे थे और अब देखो वो एक घर की बिल्ली बन गए हैं। किस लिए? बस तुम्हारे लिए। सच में? और नहीं तो क्या, मैं तो अरे जी जी मैं कॉफी लेने आई हूँ। सही जगह आई है, दीजिए। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। हाँ हाँ वो तो समझने वाली बात है। मुझे मेरे बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करने हैं, पर हाँ, कहिए। सनम वो एक बिजनेस डिनर है और एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ जाना चाहिए। अगर वो किसी को साथ लेकर जाना होता तो वो मुझे लेकर जाते। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी की एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। क्या ये सच नहीं है? और तुम्हें इस पोजीशन पर होते हुए जलने की कोई बात नहीं हाँ, है। अगर आप कह रही तुम जरा प्रोफेशनली सोचो, तुम्हें वक्त के साथ आदत हो जाएगी। अभी तो बहुत मुश्किल। ये हमेशा मुझे स्ट्रेंथ देती है और मोटिवेट करती है। सनम ये जगह इतनी अनटाइडी क्यों है, बताओगी? मैंने अभी इसे समझाने की कोशिश की मिस्टर जान, चलने की कोई बात नहीं है, इसे प्रोफेशनल होने की जरूरत है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमें डिनर पर जाना है और ये सब यहाँ क्यों रखा हुआ है? कहाँ? डिनर पर? हाँ चलो हम लेट हो रहे हैं। डिनर पर? ठीक है मैं थोड़ी हैंड क्रीम लगा लेती हूँ। हाँ ये हाथों को सॉफ्ट रखती है। हाँ मैं आई, हम डिनर पर जा रहे हैं। हाँ मैं आ रही हूँ, हम दोनों बिजनेस डिनर पर जा रहे हैं। जान एक सेकेंड मॉम। हेलो मॉम। हेलो सनम, घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम वो मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, वो एक बिजनेस डिनर पर बुलाया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। घर आ जाओ ना, अच्छा सा डिनर खिलाऊंगी, जल्दी घर आओ। मॉम क्या हुआ? देखो जान ना तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है और वो तुमसे शादी नहीं करने वाला है, ऐसा मैगजीन में लिखा हुआ है। मॉम कोई बात नहीं है, ऐसे इंटरव्यूज में कभी पर्सनल लाइफ के बारे में सच नहीं बताते। मैं आपको घर आकर सब एक्सप्लेन करूंगी। ओके अब मुझे जाना होगा डिनर। मैंने कहो ना लेट मत हो ना। क्या हुआ डार्लिंग, कोई प्रॉब्लम है? वो मॉम ने आपका मैगजीन वाला इंटरव्यू पढ़ा इसीलिए। वो इंटरव्यू पढ़ रहा है। देखो तुम जानती हो मुझे वो मजबूरी में बोलना पड़ा। I understand. आपको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके तो तुम अपनी मॉम से इस बारे में बात करके सॉल्व कर लोगी ना? हाँ करूंगी। चले अब? हाँ चलिए।